find the point on the line x plus 2 upon 3 is equal to y plus 1 upon 2 is equal to z minus 2 at a distance of 5 unit from the point 1, 3, 3 complete. इस लाइन पर एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कि 1, 3, 3 से 5 डिस्टेंस पर हो. इस लाइन पर एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जिसकी डिस्टेंस 1 फिल करके गए थे कि कोई भी पॉइंट लाइन पर कैसे अज्यूम करते हैं लैम्डा. तो क्या हुआ, एक्स इज इक्वल टू इस लाइन पर कोई भी डिस्टेंस 1, 3, 3 से डिस्टेंस 5 है. अभी देखते हैं एक सेकंड में. लैम्डा इज इक्वल जीरो और टू. एक बार लैम्डा की वैल्यू जीरो यहां लगा दो, एक पॉइंट आएगा, फिर टू लगाएंगे दूसरा पॉइंट आएगा. एक बार तुम लोग जो लेट आया उसको थोड़ा सा रिवाइज कर दे. क्वेश्चन ये एक लाइन यदि गिवन है, इस लाइन पर एक पॉइंट ऐसा फाइंड आउट करना है जिसकी डिस्टेंस 1, 3, 3 से 5 के बराबर हो. ये लाइन गिवन है, ये नहीं गिवन होता, लैम्डा नहीं गिवन होता. एक लाइन गिवन है, इस लाइन पर एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जिसकी डिस्टेंस 1, 3, 3 से 5 के बराबर. तो लाइन पर पॉइंट कैसे बताया था कल, इसी कड़ू लैम्डा मान लिया, तो एक एक्स आ गया, एक वाई आ गया, एक जेड आ गया, ये पॉइंट बन गया. और इस पॉइंट की डिस्टेंस 1, 3, 3 से 5 के बराबर है. सॉल्व करो, तो लैम्डा की वैल्यू जीरो आ रही है और टू आ रही है. एक बार लैम्डा की वैल्यू जीरो लगाओगे तो -2, -1 3 पॉइंट आएगा, और एक बार टू लगा देंगे जो भी पॉइंट निकल गया. लैम्डा की वैल्यू जीरो, एक बार जीरो, एक बार टू.
हो गया ना। नेक्स्ट एग्जांपल, ध्यान रखता है हम जो बता रहे हैं, मैंने कल भी कहा था है, बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लोगे प्लेन अपने आप हो जाता है। प्लेन में कुछ करना नहीं होता, बस ax plus by plus cz plus z is equal to 0 बताना है और इसके बाद पूरी वर्किंग लाइंस की चलती है। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x minus 1 upon 2, x minus 1 whole upon 2 is equal to y minus 2 upon 3 is equal to z minus 3 upon 4 and x minus 4 upon 5 is equal to y minus 1 upon 2 is equal to z। लाइन फिर से बोले दे रहे हैं, पहली लाइन है x minus 1 upon 2 is equal to y minus 2 upon 3 is equal to z minus 3 upon 4 और दूसरी लाइन है x minus 4 upon 5 y minus is equal to y minus 1 upon 2 is equal to z। बता ना, एक बार जैसे लैम्डा अज्यूम कर लिया, दूसरी वाली लाइन में म्यू अज्यूम कर लो, दोनों से एक्स निकालो, दोनों से वाई निकालो, दोनों से जेड निकालो, दोनों का एक्स आपस में इक्वल करो, दोनों के वाई इक्वल करो, दोनों के जेड इक्वल करो, लैम्डा म्यू की वैल्यू निकालनी, जो पहले निकाला उसको सब्स्टिट्यूट कर देना। स्टार्ट करो, बैठे क्यों कहते हैं, चालू कर दिया करो, नहीं आएगा हम आपको तो करने जा ही रहे हैं, कुछ तो करो, आगे पढ़ोगे समझ में चीजें आएंगी क्या कर रहे हैं। ये जेड है, इसको जेड माइनस जीरो अपॉन जीरो लिख सकते हैं, जेड माइनस जीरो अपॉन वन। दो दो तरीके होते हैं, जेड माइनस जीरो अपॉन वन। अब इसमें पहले वाली लाइन में लैम्डा लगा लो तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, थ्री लैम्डा प्लस टू, इसमें कोई दूसरा वेरिएबल दे दो, अब दोनों के x इक्वल कर दो, दोनों के y इक्वल कर लो, आंसर बताते हैं भी। इन दो इक्वेशन से लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लो,
इन दोनों इक्वेशन से लैम्डा और म्यू की वैल्यू। लैम्डा माइनस वन म्यू इक्वल टू वन बाई इससे तो थ्री आ नहीं रहा गया इतने सेल्फ सॉल्व करने से अगर इक्वेशन सही बनी है तो माइनस वन बाई फाइव और प्लस बनाना चाहिए। एक बार चेक कर लो गए थे इससे इससे नहीं आ रहा आंसर मतलब इससे अगर इक्वेशन सही बनी है तो ये वैल्यू नहीं आ रही। हाँ म्यू इज इक्वल टू और लैम्डा लैम्डा माइनस बना रहा होगा माइनस वन। हाँ ये सेटिस्फाई हो रहा है लैम्डा की वैल्यू वन माइनस वन और म्यू की वैल्यू माइनस वन। लैम्डा की वैल्यू माइनस वन म्यू की वैल्यू माइनस वन। अब और एक चीज और ध्यान आप जेड वाले इक्वल करने पड़ेंगे इसमें सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। अगर जेड में सेटिस्फाई हो रहा है तो बोलेंगे दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर जेड में सेटिस्फाई नहीं होगा तो बोल देंगे ये लाइनें आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं इनका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। तो पहले एक्स और वाई से लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालेंगे और जेड में सेटिस्फाई करना है। अगर जेड में अगर जैसा एग्जामिनेशन पूछा जाएगा फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑप्शन में इंटरसेक्शन पॉइंट लिखे हो तो जेड में मत चेक करना। अगर लिखा हो देयर इज नो सच पॉइंट तो चेक करना पड़ेगा। अगर ये नहीं लिखा हुआ ऑप्शन में तो चेक मत करना सीधे कर देना। अब लैम्डा की वैल्यू माइनस वन आ गई लैम्डा की वैल्यू माइनस वन चाहे ऊपर वाले में लगा दो और म्यू की वैल्यू माइनस वन नीचे वाले में लगा दो किसी एक में लगा के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। लैम्डा की वैल्यू माइनस वन ऊपर लगा दो या म्यू की वैल्यू माइनस वन नीचे लगा दो दोनों से सेम वैल्यू आएगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। अगर लैम्डा की वैल्यू माइनस वन लगाओ ऊपर क्या आएगा माइनस वन माइनस वन माइनस वन कॉमा माइनस वन कॉमा माइनस वन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चाहो तो म्यू की वैल्यू लगा दो एक ही बात है लैम्डा की वैल्यू या म्यू की वैल्यू। नोट हो गया। एक इसमें थोड़ा एक और कर सकते हो फर्स्ट इक्वेशन से लैम्डा की एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू जेड की वैल्यू आ गई अगर ये लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तो सेकंड को सेटिस्फाई करेगा। आ गया। अब इन दोनों से लैम्डा की वैल्यू निकाल लो और इन दोनों को सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लो। अगर लैम्डा की वैल्यू सेम निकलती है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और अगर लैम्डा की वैल्यू अलग अलग निकलती है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो पहले वाले से पहले से निकाल लो दूसरे से निकाल लो एक ही बात है। पहले से लैम्डा की वैल्यू निकाली सेकंड में सब्स्टिट्यूट की अब इन दोनों को इक्वल करेंगे और फिर इन दोनों को इक्वल करेंगे। दोनों से लैम्डा की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर लैम्डा की वैल्यू यहां पे देख निकालोगे दोनों से लैम्डा की वैल्यू माइनस वन आ रही है। अगर लैम्डा की वैल्यू दोनों सेम नहीं आएगी तो फिर बोल देंगे कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं। दोनों मेथड आसान है ऐसा नहीं किसी में भी डिफिकल्टी नहीं चाहे इससे कर लेना इससे कर लेना वर्किंग दोनों में करनी पड़ती है मतलब वर्किंग की कोई छूट नहीं है लेकिन और लगा के इसको भी लिख लेना इस मेथड को मतलब ये पहले वाले पॉइंट निकाल लिए और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेकंड में सेटिस्फाई करा दिए। पहले इन दोनों को सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू फिर इन दोनों को सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू। अगर लैम्डा की वैल्यू सेम आती है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अगर लैम्डा की वैल्यू सेम नहीं आती है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। और दोनों को बताया अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा गया है और देयर इज नो सच पॉइंट का ऑप्शन नहीं है तो इन दोनों को सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लेना वही होगी लैम्डा की वैल्यू इसको सब्स्टिट्यूट कर देना सीधे तो दो बार सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा।
अगर ऑप्शन में लिखा हुआ है देर इज नो सच पॉइंट, तब चेक करना पड़ता है। अगर ये ऑप्शन है ही नहीं वहां पर, तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू जो निकल रही वही आंसर होना चाहिए। लिख लेना इस मेथड को भी और करके, क्योंकि कभी कभी ये मेथड हेल्पफुल होता है। जैसे पहले वाले से निकाल लिया इसकी वैल्यू, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तो वो वाला पॉइंट उसको लाइन को सेटिस्फाई करेगा, भाई दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो अगर एक लाइन पर मैं पॉइंट निकाला तो दूसरे को सेटिस्फाई करेगा वो, तो हमने पहले वाली लाइन का पॉइंट निकाला और दूसरे में सेटिस्फाई करा दिया। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तो सेटिस्फाई होना चाहिए। पहले इन दोनों को इक्वल कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को इक्वल करो कैसे आएगी, 4λ - 10 इज इक्वल टू 15λ + 5, तो कितना है माइनस 2 × 4 = 4λ - 10 इज इक्वल टू 5 × 15λ + 5। हाँ अच्छा, लू 2λ + 1 है तो -3 हो जाएगा ये, तो -3 तो 4λ, तो कितना हुआ ये -11λ इज इक्वल टू 11, लैम्डा इज इक्वल टू -1। अब इन दोनों से निकालना है, अब इन दोनों से निकालोगे वो भी लैम्डा की वैल्यू -1 आएगी। दोनों वैल्यू सेम है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन में देर इज नो सच पॉइंट का ऑप्शन नहीं है तो लैम्डा की वैल्यू केवल एक से निकालना, -1 और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना, सीधे आंसर आ जाएगा। टू लैम्डा प्लस वन था ये, यहां पर लगा दिया 2λ + 1 - 4, इसमें लगाना x की वैल्यू लगाओ तो 2λ + 1 x की वैल्यू हो गई और -4 पहले से था। फिर y की वैल्यू लगा दी, इसमें y की वैल्यू हुई है, फिर z की वैल्यू। जो सेकंड मेथड बताया है कभी कभी वो ज्यादा आसान होता है फर्स्ट के बजाय, क्योंकि फर्स्ट में पूरा सॉल्व करना पड़ता है, सेकंड में एक ही बार में सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन्स एक्स इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी, एक्स इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी कॉमा जेड इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी, जेड इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी एंड एक्स इज इक्वल टू ए डैश वाई प्लस बी डैश, ए डैश वाई प्लस बी डैश, जेड इज इक्वल टू सी डैश वाई प्लस डी डैश आर परपेंडिकुलर। ये दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं तो कंडीशन निकालनी है। अब ध्यान देना इसमें, हम लोगों को पहले इसको स्टैंडर्ड लाइन में कन्वर्ट करना है। हमने कहा था दो मेथड तो बता दिए थे, एक में कॉमा लगा के जेड आता है और एक में इजिकल टू करके जेड आता है, एक तीसरा हमने कहा था और एक टाइप और है, वो जब एग्जांपल में आएंगे तब करवा देंगे। इसमें क्या करते हैं, इन दोनों में एक वेरिएबल को कॉमन लेते हैं, जैसे वाई दोनों में कॉमन लग रहा है हमको, तो इसमें क्या कर सकते हो, लिख सकते हो ऐसे, और यहां पर क्या आ जाएगा
दोनों में वाई इक्वल है, पहली लाइन बन गई है, ऐसे दूसरी लाइन बना लो, ये क्या हो जाएगी, x माइनस बी अपॉन ए वाई माइनस जीरो अपॉन वन सेकेंड वाली सिमिलरली बनाए दे रहे हैं, तो उसको लिख नहीं रहे पूरी, परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, ए वन ए टू, तो इसका ए वन, इसका ए वन कितना ए, बी वन क्या है वन और सी वन सी, ऐसे ए टू बी टू सी टू, ये कंडीशन को ए ए डैश प्लस सी सी डैश प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। नॉर्मली क्या होता है एग्जामिनेशन में, ऑप्शन स्टूडेंट क्या बिना किए ऑप्शन से ए ए डैश प्लस बी बी डैश प्लस सी सी डैश इज इक्वल टू वन वाला ऑप्शन लगा देते हैं, क्योंकि लगता है सिमेट्रिकल टाइप का ये वाला ऑप्शन है, इसका आंसर है ए ए डैश प्लस सी सी डैश प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, समझ गया, ये तीनों टाइप नोट कर लेना, पहला लाइन पहली टाइप थी इसमें कॉमा लगा के लिखते हैं जेड, दूसरे में के इज इक्वल टू जेड लिखते हो, तीसरा टाइप ही है, ये तीन ही टाइप की नॉर्मली लाइन बनती है, कहते नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू थ्री आई प्लस टू जे माइनस फोर के आई प्लस टू जे प्लस टू के एंड इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालना है, उसमें क्या करते हैं, ये वेक्टर में क्वेश्चन बता चुके हैं, पहले वाली लाइन किसके पैरेलल है, पहले वाली लाइन आई प्लस टू जे प्लस टू के और दूसरे वाली लाइन थ्री आई प्लस टू जे प्लस सिक्स के, अगर हमको लाइन के बीच में एंगल निकालना तो उसके पहले लाइन के बीच में एंगल निकालने बात एक ही हो जाएगा, तो पहला वैक्टर क्या हुआ, और दूसरा वेक्टर एंगल क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू
गिवन लाइन पैरेलल, अगर हम आपस लाइन के बीच पे एंगल निकाल लो या उसके पैरेलल लाइन के बीच पे एंगल निकाल लो, बात तो एक ही रहेगी ना। जैसे जमीन का प्लेन है, छत का प्लेन है और ये वाला प्लेन, तो इसके पैरेलल वाले प्लेन में निकाल लो और इसके पैरेलल वाले प्लेन से निकाल लो। हाँ cos theta is equal to 19 by 21, पहले वाली लाइन को कार्टिशियन में लिखो क्या होगी, पहले वाली लाइन को कार्टिशियन में, पहले वाली लाइन जो लिखी है r is equal to 3i plus 2j minus 4k वाली लाइन, इसको कार्टिशियन क्वाड्रेंट में मतलब x y z में लिखो, अब ये पहले वाली लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, 3, 2, -4 और उसके डायरेक्शन नंबर क्या है 1, 2, 2, ये पैरेलल है तो डायरेक्शन नंबर क्या होगा 1, 2, 2, तो लाइन पहले वाली क्या हो गई, पहले वाली लाइन हो गई। सेकंड वाली लाइन क्या हुई, सेकंड लाइन हो गई, तो वेक्टर से कार्टिशियन में कन्वर्ट हो सकती है, कार्टिशियन से वेक्टर में कन्वर्ट हो सकती है। अब चाहो अगर कार्टिशियन से एंगल निकालना चाहो तो A1 कितना उसका हुआ, A1 3, A1 1, A2 B1 2, C1 2, A2 3, B2 2 और C2 6, तो चाहो उससे निकाल लेना, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। कन्वर्ट करके इसलिए बता दिया लाइन को, कभी कभी किसी किस मेथड से आसान पड़ता है वो एग्जामिनेशन में हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, कभी कभी कुछ क्वेश्चन वेक्टर से आसान पड़ते हैं, कभी कभी कुछ क्वेश्चन 3D से आसान पड़ते हैं, जैसा कन्वीनियंट हो वैसा करना हुआ, मतलब वेक्टर से 3D में और 3D से वेक्टर करना बहुत आसान होता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द एंगल बिटवीन, find the angle between the lines 2x is equal to 3y, find the angle between the lines 2x is equal to 3y is equal to minus z and 6x is equal to minus y is equal to minus 4z। पहले वाली लाइन है 2x is equal to 3y is equal to minus z, दूसरी लाइन है 6x is equal to minus y is equal to minus 4z, complete। पहले वाली लाइन कन्वर्ट कैसे हो जाएगी, और सेकंड लाइन आप चाहो तो इसमें ये A1, B1, C1, A2, B2, C2 चाहो तो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लो पहले, हाँ इसका एलसीएम 6 हो गया और इसका एलसीएम 12 हो गया, तो चाहो तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करने के बाद कर लो या ऐसे कर लो, ये हो गया A1, B1, C1, A2, B2, C2,
और चाहो तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करने के बाद कर लेना, इसका एलसीएम किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से और इसका 12 से। इसका कॉस थीटा 0 आ रहा है, यानी एंगल इज 90 डिग्री। अगर इसी लाइन को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो कैसे लिखोगे, इसी लाइन को वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में पहले वाली लाइन का पॉइंट क्या है, 0, 0, 0। पहली लाइन हो गई, दूसरी लाइन लिखेंगे, ये पॉइंट पॉइंट 0, 0, 0 और डायरेक्शन नंबर 1/2, 1/3, -1। और ध्यान रखना ये मल्टीपल हो सकता है, यहां पर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये लैम्डा के साथ 6 चला जाएगा और यहां पर तो ये 3i + 2j - 6k हो जाएगा। यहां लैम्डा कोई चेंज नहीं आएगा, लैम्डा लैम्डा ही रहेगा। ये बार बार इसलिए कर रहे हैं, कई बार एग्जामिनेशन में कम आए हैं लेकिन क्वेश्चन आ चुके हैं, इसको वेक्टर में कन्वर्ट करो, इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करो। जनरली नहीं पूछे गए क्वेश्चंस लेकिन फिर भी आना चाहिए। मान लो कहते जैसे वो 1, 2, 3 करके कंडीशन देते, उनमें एक कंडीशन ए भी दे दी गई, तो इसलिए करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द लाइंस x-5/5λ+2 2-y/5 2-y/5 (1-z/-1) and x upon 1 = y plus 1/2 y plus 1/2 upon 2λ = z - 1/3। ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं तो लैम्डा की वैल्यू बतानी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर। ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं तो लैम्डा की वैल्यू बतानी। इसमें देखना क्या पड़ता है, लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, a1 a2 + b1 p2 + c1 c2 = 0। केवल इसलिए करवा रहे हैं, क्वेश्चन एग्जामिनेशन पूछा गया इसलिए करवाया क्वेश्चन। लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। लैम्डा की वैल्यू आ रही है इसमें, लैम्डा की वैल्यू 1 आ रही है इसमें।
लैम्डा की वैल्यू वन, ये वाली लाइन क्या हो गई पहले वाली, अब ए वन ए टू लैम्डा कितना बना रहा है, इसी में सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का था, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का था, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब लैम्डा की वैल्यू वन रख के जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला था, एक बार तुम्हारा एग्जांपल रिवाइज हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते, लैम्डा की वैल्यू वन रख के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालू, निकालो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक को लैम्डा मान लो, लैम्डा की वैल्यू वन रखने के बाद एक में इजिकल टू मानो इसके, उससे एक्स वाई जेड निकाल के सेकंड में सेटिस्फाई करा देख लो, आसानी से हो जाएगा। अब इनमें से इक्वल करके देखो आपस में, पॉइंट को सेटिस्फाई करा दिया सेकंड में, अब सेकंड को इक्वल करो आपस में इन दोनों को, दोनों से म्यू की वैल्यू सेम नहीं आ रही, दैट मींस ये लाइनें आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, म्यू की वैल्यू दोनों दोनों पार्ट से सेम नहीं आ रही है, इसलिए ये लाइनें आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ये हमने इसलिए सेकंड पार्ट इसका करवाया था कि तुमको नॉट इंटरसेक्ट वाला भी कॉन्सेप्ट बता पाए। तो दोनों से म्यू की वैल्यू सेम नहीं आने की वजह से ये लाइनें 90 डिग्री पर तो कहां है आपस में एंगल इनके बीच में, लेकिन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही। और वो भी कर सकते थे,
इसको लैम्डा, इसको म्यू मान लेते, इसको न्यू मान लेते, फिर इक्वल कर लेते। दोनों मेथड बता दिए, जो आसान लगे उससे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -1, -3, -2 and perpendicular to the lines, and perpendicular to the lines x upon 1 is equal to y upon 2 is equal to z upon 3 and x plus 2 upon minus 3 is equal to y minus 1 upon 2 is equal to z plus 1 upon 5. पहले वाली लाइन है x upon 1 is equal to y upon 2 is equal to z upon 3. सेकेंड वाली लाइन है x plus 2 upon minus 3, y minus 1 upon 2, z plus 1 upon 5. एक लाइन ऐसी बतानी है जो 1 minus 1, 3 minus 2 से पास हो रही हो और इन दोनों के परपेंडिकुलर है। पहले दूसरे से लैम्डा निकाल लिया, फिर दूसरे तीसरे से लैम्डा निकाला। हाँ वो भी निकाल सकते हो, उससे अंतर नहीं पड़ता। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा कोई ले लो। -1, -3, -2 से पास होने वाले लाइन क्या होगी? x ऑफ x प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू z प्लस 2 अपॉन c। लाइन हो गई ना, एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन। हमको अभी इसका एबीसी डायरेक्शन नंबर नहीं मालूम है। अब ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये लाइन जो है गिवन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर तो क्या होगा? क्लियर है? अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो a1a2 + b1b2 + c1c2 = 0। ध्यान रखना, लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, अगर लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो फिर पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब एक्स वाई जेड के कोफिशियंट 1 + 1। इसके बाद ऐसे नहीं कर देना सीधे कहीं के। सेकंड वाले में क्या हो जाएगा? -3a + 2b + 5c = 0। अब इन दोनों से साइमल्टेनियसली a और b की वैल्यू निकालनी है।
ध्यान देना, दो इक्वेशन से तीन वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं उसको मेथड करने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। एग्जाम्पल इसलिए अलग अलग लेते हैं जिसमें तुमको जो चीजें तुमको छोटे क्लासेस की भूल गए उसको कर पाओ। ये छोटे क्लासेस का कॉन्सेप्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या लिखते हैं, ए अपॉन इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज गुणनफल। ए अपॉन के नीचे क्या, ए अपॉन के नीचे क्या लिखोगे, ए जब ए लेते हैं तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, फाइव टू जा टेन, टेन और माइनस सिक्स। रिपीट कर देना मेथड को, अगर दो इक्वेशन दिए हैं, तीन वेरिएबल दिए गए हैं, उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं। पहले लिखते हैं ए अपॉन, दूसरा होता है माइनस, तीसरा होता है प्लस, ए अपॉन माइनस बी अपॉन सी अपॉन। जब ए लिखते हैं तो ए वाले को हटा लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई पांच दुनी दस और तीन दुनी छह। फिर बी वाला बी लिखेंगे, बी वाले पे को हटा देंगे तो फाइव प्लस नाइन, और तीसरे वाले सी लिखेंगे जब तो टू टू प्लस सिक्स। तो ए अपॉन सिक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन फोर्टीन इज इक्वल टू सी अपॉन एट। ए अपॉन सिक्स सही तो है, फोर फोर। चाहो तो टू से माइनस इसको क्रॉस कर लेना, कट कर लेना, नहीं करना चाहो तो ऐसे ही कर सकते हो। अब ए की वैल्यू ए अपॉन टू, बी अपॉन माइनस सेवन और सी अपॉन फोर। ए की वैल्यू टू हो गई, बी की वैल्यू माइनस सेवन हो गई, सी की वैल्यू एक्स प्लस वन अपॉन टू इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री अपॉन माइनस सेवन इज इक्वल टू जेड प्लस टू अपॉन फोर। चार टू नहीं कट करोगे तो भी हो जाएगा। एक्चुअली में करते क्या है, इज इक्वल टू लिखते हैं फोर के इज इक्वल टू के, और यहां से के की फॉर्म में लिखेंगे तो टू के माइनस सेवन के फोर के आएगा, के कैंसिल हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव सवाल है, वर्किंग शो नहीं करनी, अदरवाइज यहाँ पे के लिखा जाता तो ए इज इक्वल टू के, b इज इक्वल टू माइनस सेवन के, सी इज इक्वल टू फोर के। टू के माइनस सेवन के फोर के कैंसिल हो जाएगा। भाई इस गलती कब, गलती कहां पे करते हो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन नहीं लिखी हुई है दोनों, और तुमने नीचे वाला उठाया a1 b1 c1 वही लगा दिया उसमें। अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है y माइनस वन अपॉन टू, ये वन माइनस वाई अपॉन टू लिखा हो तो माइनस पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो गलती करते हो, गलती होती नहीं कहीं पर भी, गलती ऑब्वियस कोई जान के तो करता नहीं है। एग्जामिनेशन में क्या होता है, जब एग्जामिनेशन होते जल्दबाजी में हमको बड़ा आसान क्वेश्चन है तो मालूम ही आता ही हमको कहीं थे, तो वो आने के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है कहीं थे। तो इस बात का मतलब ये हमने बोला ना, जान के नहीं करते हो लेकिन इस बात की सावधानी बरतना वहां पर कहीं थे। अभी भी नहीं कह रहे कि जान के तो करोगे नहीं, अगर मालूम अगर ध्यान आ जाएगा तो कर ही लोगे, लेकिन एक हैबिट बनाना कि हमको पहले चेक ही करना है कि स्टैंडर्ड है कि नहीं है। यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं क्लास को आज, ठीक है ना।